तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं कोई नया स्टॉक सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। वीडियो के थंबनेल देख के तो आप लोगों को समझ गया होगा कि ये एक वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक रिव्यू स्टॉक रहने वाली है। तो क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आएगी और कहाँ के लिए आप लोग बाइक करके चल सकते हो और लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक कैसे रहेगी, एक बार फिर से मैं अपडेट कर रहा हूँ इस स्टॉक के बारे में। तो चलिए देखते हैं, पहले स्विंग ट्रेडिंग के लेवल बताता हूँ आप लोग को, उसके बाद लॉन्ग टर्म के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो NSE का डेली चार्ट खुला हुआ है वोडाफोन आइडिया का, और कल ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1.69% अप था। लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है, पहले फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग बाई तो करते हो लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाई करते हो, अगर आप लोगों का जो बिड है वो लग जाता है तो लग जाता है, मतलब बाई चांस लग जाता है तो लग जाता है। अगर ये जो 5.8 का जो आप लोगों को सपोर्ट दिख रहा है, अगर यहाँ पे बाई करने के बाद 7.3 की टारगेट दिखा देता है तो ठीक है, लेकिन अगर नीचे चली जाती है ना तो चांसेस कम है। क्योंकि आप अगर इन लोगों का जो रिज़ल्ट है वो देखोगे तो लॉस के ऊपर लॉस दे रही है कंपनी, नो डाउट। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाकी जो एयरसेल, MTS, उसके बाद टाटा डोकोमो की जैसे ये भी फुस हो जाएगा कंपनी, मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर्स रहेगा। तो अब मुझे क्या लग रहा है पर्सनली गाइज, इनमें स्विंग ट्रेडिंग करना अभी थोड़ी रिस्की हो सकता है। लॉन्ग टाइम के अगर व्यूज से अगर आप लोग को लगता है कि वोडाफोन आइडिया सर्वाइव कर पाएगी तो आप लोग बाइक करके चल सकते हो। 5G आने के बाद वोडाफोन आइडिया एक अच्छा खासा पोजीशन बना सकती है, तो आप लोग बाइक करके चल सकते हो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग टू मी कोई सेंस नहीं बनता है अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइक करने का। क्योंकि देखो गाइस, कंसोलिडेट कर लीजिए, पहले भी एक बार यहाँ से बाउंस बैक तो नहीं कह सकता क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं था, लेकिन फिर भी नीचे से ऊपर गया लेकिन टारगेट अचीव नहीं करा है। तो एक बार बाउंस बैक कंफर्म हो जाने के बाद अलग बाइक करके चल सकते हैं फॉर दी टारगेट्स ऑफ 7.3, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। एक अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक दिया था तो 7.3 का टारगेट इसने अचीव कराया था। अगर ऐसे ही बाउंस बैक कन्फर्म मिल जाता है तो 7.3 की टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हो। बाकी इसके ऊपर वाला जो टारगेट है वो अराउंड 8 रुपीज़ के आसपास का निकल के आ रहा है। उसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो 9, उसके बाद का डायरेक्ट 11 रुपीज़ का टारगेट रहने वाली है। तो अभी तो एक स्विंग में उतना नहीं जाएगी क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ खास न्यूज़ नहीं है स्टॉक में। तो गाइज स्विंग ट्रेडिंग कंफर्मेशन एकदम 100% कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना, 100% तो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट 90% जितना हो सके अपने हिसाब से सेफ रहो। अगर पैसा जाता भी है तो इतना ज़्यादा कोई गम नहीं होगा, मतलब आप लोगों को इतना ज़्यादा कोई गिल्टी फील नहीं होगा क्योंकि मेरे तरफ से मैं एकदम 100% दिया था। बाकी तो स्टॉक मार्केट का वो है ही कि जितना भी आप लोग कुछ करो लॉस देखे जाएगी आप लोगों को। कोई भी बंदा अपने लाइफ टाइम में 100% टाइम्स प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जितना हो सके कन्फर्म रहने की कोशिश करो। बाकी तो टारगेट ये रहा और एंट्री पॉइंट ये रहा, सपोर्ट ये रहा, रेजिस्टेंस ये रहा। तो अभी लॉन्ग टर्म के बारे में पहले देख लेते हैं कितने क्वांटिटी लोग कल CNC में घर लेके गए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो NSE का चार्ट खुला हुआ है, NIFTY 500 में कंपनी लिस्टेड है। उसके बाद अगर बात करें तो पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में तो 1,91,140 क्वांटिटी पेंडिंग है 6 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे, और कल 16 करोड़ 19 लाख 65,520 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। और इसका जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 10,000 लाख रुपीज़ के आसपास, टू बी एग्जैक्ट 9,669 लाख रुपीज़ के आसपास। डिलीवरी पोजीशन के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो इतने क्वांटिटी ट्रेड हुआ है लेकिन डिलीवरी सिर्फ 30% के आसपास ही लोग लेके गए हैं, मतलब इतना ज़्यादा कुछ लोग भरोसा नहीं कर रहे CNC में ट्रेड लेने के लिए। वो लोग इंट्राडे में ही निकल रहे हैं पैसे प्रॉफिट बुकिंग करके, तो CNC में इतना ज़्यादा कुछ लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं स्टॉक में अभी। तो बाकी आप लोगों के ऊपर है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने बता दिया। अब फंडामेंटल्स की तरफ आते हैं कि जून की क्वार्टरली रिजल्ट कैसा था इस कंपनी का। सबको पता ही है ये कंपनी क्या करती है और ये भी मार्केट कैप, ये सब भी मैंने आप लोगों को बहुत बार दिखा चुका हूँ। बुक वैल्यू नेगेटिव में जा चुका है, ROC नेगेटिव में है, PE गायब है, ROE गायब है, डिविडेंड नहीं देती, फिजल 10 का है, प्रोस में कुछ भी नहीं है, कॉन्स में आप लोग देख सकते हो कंटिजेंट लाइबिलिटीज है, पुअर सेल्स ग्रोथ है कंपनी में। उसके बाद बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, जून के क्वार्टरली रिजल्ट में भी एक अच्छा खासा इन्होंने लॉस दिया है और ये सब है इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन वैल्यू के चलते कंपनी टोटली लॉस मेकिंग है। कंपनी जो है लगातार अपने लॉस के फिगर्स इंक्रीज कर रही है पिछले 3 क्वार्टर से। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोग देख सकते हो मार्च के क्वार्टर में थोड़ी सी कम इन्होंने
मार्च 2021 क्वार्टर नहीं सॉरी मार्च 2021 की फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने थोड़ी सी जो है वो लॉस कम दिया है, लेकिन लॉस तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा है, 44,000 करोड़ का लॉस। पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं थी, लेकिन अभी ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। तो लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा कुछ मुझे फ्यूचर तो नज़र नहीं आ रहा है। बॉर्डिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार, ये आप लोग देख सकते हो, पहले 57,000 था, अभी 1,57,000 हो गया। मार्च 2018 में 57,000 था, अब 1,57,000। रिजर्व भी इसका नेगेटिव में जा चुका था, इसके चलते इंटरेस्ट तो होगा ही इतना, तो कंपनी लॉस मेकिंग ऑटोमेटिकली बन जाएगी। उसके बाद बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जो बड़े प्लेयर्स है, FIIs है, वो अपने होल्डिंग मतलब बेच रहा है। उसके बाद बात करें तो DIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ किया है इस जून की क्वार्टर में, तो उन लोगों को इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर डूबता भी है तो बड़े क्वांटिटी नीचे के लेवल में बाय करके एवरेज आउट करके वो लोग निकल जाएंगे, या तो फिर थोड़ी बहुत लॉस बुकिंग कर लेंगे। लेकिन जो जिसका जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा वो है हम लोगों को, हम अब जैसे लोगों को फ़र्क पड़ेगा ये कंपनी का नीचे गिरने से। पब्लिक के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हो, पहले पब्लिक के पास सिर्फ 6% 7% होल्डिंग था, लेकिन अभी 22% आ चुका है पब्लिक के पास। प्रोमोटर्स अपने होल्डिंग इंक्रीज़ किया है, लेकिन इतने भी सब अब मुझे इतने भी ज़्यादा भरोसा नहीं है इस स्टॉक पे, तो मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे अवॉइड करने वाला हूँ। स्विंग ट्रेडिंग भी इसमें लेने मतलब इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगा, स्विंग ट्रेडिंग भी इसमें लेना रिस्की हो जाएगा। कब नीचे गिर जाए किसी को नहीं पता, कोई एक भयानक न्यूज़ आ जाए इसके अंदर से, तो मैं इसमें ट्रेड करना भी अवॉइड करूँगा, जैसे कि मैं पहले अदानी के स्टॉक्स में ट्रेड करना अवॉइड करता था। उसके बाद बात करें कंपनी के बारे में, तो गाइस कंपनी के बारे में क्या ही बताना है, जो भी बताना तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, बाकी तो अब करना आप लोगों को है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में एक मल्टीबैगर बन सकती है तो गाइस सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बाकी तो आप लोगों के ऊपर है। आफ्टरऑल आपका पैसा कैसे आप लोगों को इन्वेस्ट करना है वो तो आप लोगों को ही अच्छे से पता होगा। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लेना, या तो फिर अपने खुद के रिसर्च ऐड कर लेना। आफ्टरऑल आपका पैसा है तो अपने साइड से पूरा कन्फर्म रहो, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना, मुझे भी नहीं, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो मत करना। तो गाइस अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, जाके मुझे DM कर सकते हो वहाँ पे 1-on-1 कन्वर्सेशन के लिए। बाय गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।